शशि थरूर ने यह खुलासा कर दिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव पार्टी के लिए अच्छे हैं, फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। जब ये इलेक्शन चुनाव के बारे में एक अनाउंसमेंट हुई, मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं एक आर्टिकल लिखा था उस वक्त अंग्रेजी में, हिंदी में, मलयालम में, जिसमें मैंने कहा कि चुनाव अच्छे हैं पार्टी के लिए, और मैं बताया कि क्या क्या कारण है कि चुनाव अच्छा होगा। उसके बाद मुझे आश्चर्य होगा कि हुआ कि बहुत बहुत लोग हमारे पार्टी के साधारण कार्यकर्ता मुझे संपर्क करके बताने लगे कि आप ही लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों नहीं, कहा कि देखिए आपने जो लिखा है इसमें ये ठीक है, पर ये भी पॉइंट है कि आप जानना चाहिए कि पार्टी के जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, जो हर बार हमें वोट देते हैं, आपका एक अपील है उनसे अतीत, तो आप जरा लड़िए। तो मैं इसके बारे में सोचने लगा, मैं लोगों से बात करने लगा, मुझे लगा कि ठीक है इसमें शायद कुछ लॉजिक है, लेकिन मैं जानना भी चाहता था कि क्या ये असली चुनाव होने वाला है या पार्टी चाहते हैं कि कोई कंसेंसस में सब तय हो जाए। तो मैं कांग्रेस अध्यक्ष से मिले और उन्होंने मुझे बताया बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कोई आधिकारिक उम्मीदवार को नहीं रखने वाले हैं, सारे व्यक्ति अपने ही व्यक्तित्व पे ये चुनाव पे लड़े।